ब्रांच चेन एंड रिंग हाइड्रोकार्बन्स। देखिए वो हाइड्रोकार्बन्स जो या तो ब्रांच की फॉर्म में हो, या चेन की फॉर्म में हो, या फिर रिंग की फॉर्म में हो, उन्हें कहते हैं ब्रांच चेन रिंग हाइड्रोकार्बन। वन बाय वन हम इसे डिस्कशन करेंगे। पहले करेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर क्या होता है? जब एल्केन्स यानी कि तीन तीन या तीन से ज़्यादा, यानी कि दो को हम ब्रांच नहीं बना सकते, एक में तो ब्रांच बिल्कुल भी नहीं बनेगी, दो में भी नहीं बनेगी, तीन में भी नहीं बनेगी। तीन से ज़्यादा यानी कि अगर तीन से कम हाइड्रोकार्बन होंगे तो ब्रांच नहीं बनेगी, तो ब्रांच नहीं पॉसिबल है। ब्रांच मतलब कि एक लाइन में से एक और लाइन निकलना, जैसे ट्रीज में होता है एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच निकलती है, सेम यही कंडीशन इसमें है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मीथेन है CH4, इसमें एक में तो कोई ब्रांच नहीं है, ये तो सिंगल है, इसमें इसकी क्या ब्रांच बन सकती है? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट ये तो मीथेन है, CH4 क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट CH3, ये क्या है? मिथ इथ, ये क्या है? मिथ इथ। और H6 है, 3A 3A, तो ये इथेन, ये इथेन है। नेक्स्ट ये मिथ इथ प्रॉप, ये क्या है? प्रॉप एन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, C3H8, ये है प्रोपेन। तो देखिए मीथेन में हम कोई ब्रांच नहीं बना सकते, इथेन में भी हम कोई ब्रांच नहीं बना सकते, प्रोपेन में भी हमारे ब्रांच बनना पॉसिबल नहीं है। यानी कि या तो तीन या तीन से कम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो हमारी ब्रांच नहीं बनती है, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉसिबल कंडीशन है कि हम इसमें फोर मेंबर्स लें CH के, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अगर फोर मेंबर्स लें, इसमें वन मेंबर है हाइड्रोकार्बन का, इसमें टू है, इसमें थ्री है, लेकिन हमें फोर चाहिए ब्रांच बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? जिसमें चार कार्बन्स होते हैं और सिंगल एन है, मतलब सिंगल जो हमारे बीच में बॉन्ड होंगे सिंगल बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये है ब्यूट और चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे तो एन, ब्यूटेन। लेकिन इनकी हम ब्रांच बना सकते हैं। इन चार कार्बन्स को हम किस तरह से कनेक्ट करें? इस चार कार्बन को हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इन दोनों कार्बन को हमने इसकी ब्रांच बना दिया। ये भी तो चार ही हैं, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ये भी तो ब्यूट ही हैं, ठीक है ना। और इसे ब्रांच बोलते हैं। जैसे कि जैसे ब्रांच स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रांच स्ट्रक्चर जिसमें तीन से ज़्यादा कार्बन्स की ज़रूरत होती है, तीन से ज़्यादा कार्बन्स की, जैसे कि C4H10 ब्यूटेन होता है। अब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूल के होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि या फिर हम जो हमारे जैसे हमारे यहाँ ब्यूटेन है, चार कार्बन है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से बना दिया, इसमें भी चार कार्बन है, इस तरह बना दिया, इसमें भी चार कार्बन है, इनकी जो अरेंजमेंट अलग हो गई है, एक तो स्ट्रेट है एक ब्रांच में है, तो इनकी क्या हो गई? अरेंजमेंट अलग हो गई है। हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बदल जाती है, उसे ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म बोला जाता है। आइसोमर में क्या होता है? अलग अलग अरेंजमेंट होती है लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो सेम होते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं एक दूसरे से स्ट्रक्चर फॉर्मूला से, वो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है, उसे आइसोमर्स बोलते हैं। और उनके प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है इससे, जैसे कि मैंने बात की थी ब्यूटेन की। अब ब्यूटेन है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, CCCC यानी चार कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन, ये क्या है? ब्यूटेन। लेकिन ये क्या है? 1 2 3 4, ये भी फोर कार्बन है, 1 2 3 4। अब इसके पास भी चार हाइड्रोजन, यहाँ पे भी चार हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये, एक ही आएगा, और यहाँ पे भी थ्री हाइड्रोजन। अब ये क्या है? इसको हम कंटिन्यू चेन बोलेंगे, ये कंटिन्यू चल रही है, बीच में कोई तोड़ मोड़ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? ये ब्रांच है, यानी कार्बन की ब्रांच चेन बन गई है, इसे बोलते हैं ब्रांच चेन। ये फर्क होता है कंटिन्यू और ब्रांच चेन के बीच में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पेंटेन की तरफ। पेंटेन में पांच कार्बन्स होते हैं,
क्योंकि ये एन है तो पांचों कार्बन्स सिंगल बॉन्डिंग से कनेक्टेड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, और इसके चारों तरफ 12 यानी 12 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के पास जो होंगे अलग अलग हाइड्रोजन्स होंगे। लेकिन अगर ये पांच कार्बन की अरेंजमेंट को हम चेंज करें, ये पांच कार्बन है, मान लीजिए मैं यहाँ से एक कार्बन निकाल देती हूँ और इस कार्बन को यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ, मैंने एक कार्बन निकाला और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गई, ब्रांच हो गई। इसको मैं एक और तरह से कनेक्ट कर सकती हूँ, मैंने यहाँ से एक और कार्बन निकाल देती हूँ, इस कार्बन को यहाँ पे ही कनेक्ट कर देती हूँ इस कार्बन पे, इस तरह से भी कर सकती हूँ। तो अलग अलग अरेंजमेंट होती है, पहले सारे कार्बन एक स्टेट चेन में हैं, जब हमने एक कार्बन निकाल के एक कार्बन के ऊपर लगा दिया तो एक ब्रांच निकल गई, ठीक है ना। मान लीजिए हमने इसको 1, 2, 3, 4 नंबर दे दिए, तो 2 नंबर पे हमने कार्बन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या, ब्रांच बन गई। अब हमने एक और कार्बन लगा दिया और निकाल दिया और उसी कार्बन के नीचे एक और, यानी कि पेंटेन में हम ऐसे भी कार्बन्स को लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, अलग अलग इसके फिनोमिना हैं। अब जैसे कि ये है हमारे पास स्ट्रेट चेन 1, 2, 3, 4, 5 मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड एन पेंटेन, ये क्या है, पेंटेन। अब यहाँ पे है मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ये भी पेंटेन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, इसके पास 2, 3 है, यहाँ पे भी 1 है, 3, सबके पास हाइड्रोजन है। नेक्स्ट इसका जो कॉमन नेम होता है CN कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा N पेंटेन। जब हम किसी भी चीज का कॉमन नेम लिखते हैं तो उसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे N पेंटेन, N मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, N पेंटेन। अब IUPAC नाम के नेम क्या लिखेंगे, इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा सिंपल पेंटेन, कॉमन नेम N पेंटेन, IUPAC नेम पेंटेन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो हो गया हमारा इसका नाम, अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, क्या इसका नेम भी N पेंटेन लिखेंगे और IUPAC नेम पेंटेन लिखेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका जो कॉमन नेम होगा वो तो N पेंटेन ही होगा, लेकिन IUPAC नेम बदल जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा इसका, देखिए IUPAC नेम लिखने के लिए हमें, हमने अपने कार्बन को नंबरिंग देनी पड़ती है, ठीक है, इस कार्बन, मैं आगे नंबरिंग आपको सिखाऊंगी कैसे देते हैं, इसमें हम ऐसे ही बता रहे हैं, इसको हमने कार्बन को दे दिया 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो 2 नंबर पे CH3 कनेक्टेड है, CH3 और एक बॉन्ड, इसको बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH4 को मिथेन बोलते हैं, CH3 और एक बॉन्ड होता है उसे मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि 1, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, और अब क्या बचा है, ये तो कंप्लीट हो गया 2 मिथाइल, ये क्या, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट ब्यूट एन, इसका नाम क्या होगा IUPAC 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल और ब्यूट एन, एन क्यों है, सारा सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, यहाँ पे हमने एक और कार्बन निकाला था और यहाँ जोड़ दिया था, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसका जो कॉमन नेम होगा ना वो होगा, जब चारों एक सेंटर कार्बन है उसके चारों तरफ कार्बन है, ठीक है, उसे बोलते हैं नियो, उसे क्या बोलते हैं, नियो, तो इसको बोलेंगे नियो, ये है नियो, ये है नियो पेंटेन, इसको बोलेंगे नियो पेंटेन, एक सेंटर में कार्बन उसके चारों तरफ कार्बन, ऐसे रिंग सी बना लेते हैं, वो नियो पेंटेन होता है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, सेम वैसे ही जैसे मैंने इसका IUPAC नेम दिया है, हमने क्या नंबरिंग देनी है 1, 2, 3, अब 2 पे हमारे पास क्या क्या जुड़ा हुआ है, सबसे पहले वो लिखते हैं जो जुड़ा हुआ होता है, बाद में नाम लिखते हैं, तो सी पे CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको नाम पता है कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं ना, तो 2 नंबर पे 2, 2 यानी कि 2 नंबर कार्बन पे 2, 2 मतलब 2, 2 मतलब कि 2 पे और 2 पे ही डाई 1, 2 यानी डाई मिथाइल 2, 2
डाई मिथाइल, दो मिथाइल, ये हो गया। अब क्या मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप एन, डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हम इनके IUPAC नेम देते हैं और कॉमन नेम देते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे कुछ और भी होते हैं, जैसे कि चेन में होते हैं और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। साइक्लिक मतलब कि एक सर्कल बना लेना, क्लोज लूप में होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन एक क्लोज चेन या रिंग बोल सकते हैं, रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स जो रिंग में कनेक्टेड होते हैं उनके लिए साइक्लो, यानी कि साइकिल बना लेना, एक साइकिल रोल बना लेना। तो एक साइक्लो वर्ड का यूज़ किया जाता है, जब किसी भी चीज़ का नाम लिखते हैं उससे पहले साइक्लो लिख देते हैं, नाम वही रहता है। तो सबसे पहले होता है एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन कार्बन है, 1, 2 और 3, ये तीनों एक रिंग की, दो तीनों ने क्या किया, एक रिंग बना ली। दो तो कनेक्ट नहीं हो सकते, 1 कनेक्ट नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 6 ये सब तो कनेक्ट हो सकते हैं। तो तीनों कार्बन ने एक रिंग बना ली, तो ये क्या है, चार कार्बन हो गए। चारों ने भी एक रिंग बना ली, चार बना सकते हैं। तो हर एक कार्बन के पास, यहाँ पे हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होंगे, दो दो ही होंगे, क्योंकि इसके साथ भी तो कनेक्ट है ना ये, तो यहाँ पे दो दो ही रहेंगे ना, तीन नहीं हो सकते, ठीक है। दो दो का हाइड्रोजन हो गए, और इसमें क्या है, ये क्या है, C3H6। ये अब यहाँ पे इसका नाम लिखने से पहले ना हम लिखेंगे साइक्लो। ऐसी चीज का नाम लिखने से पहले सबसे पहले साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं, साइक्लो। अब लिखेंगे साइक्लो, मतलब ये क्या है, मिथ इथ प्रॉप, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन नहीं लिख सकते क्योंकि ये रिंग में कनेक्टेड है, तो इसको साइक्लो प्रोपेन लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे, 2, 2, 2, इसको काम क्या नाम लिखेंगे, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। क्या है, C4H8, ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूट एन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और देखते हैं, जैसे कि साइक्लो पेंटेन, पेंट मतलब जो पांच कार्बन जब रिंग में कनेक्टेड होते हैं उसे बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होगा, दो दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, तो इनके बोलेंगे साइक्लो पेंटेन, बिल्कुल सिंपल। अगर सिक्स कनेक्ट हो गए, सिक्स मतलब हेक्स, ठीक है, हेक्स हो गया ना, यानी कि सिक्स मतलब हेक्स, सिक्स कार्बन मतलब हेक्स। तो सबके पास दो दो हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे। अब ये इसको बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। तो ये क्या है, एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें से लिस्ट वन बेंजीन रिंग होती है, और एक बेंजीन रिंग क्या करती है, एक मोलिक्यूल बनाती है। बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग जिसमें सिक्स कार्बन्स होते हैं लेकिन तीन में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, जैसे सिक्स कार्बन लेकिन डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा, इसे बेंजीन रिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, इसे बेंजीन बोलते हैं, क्योंकि सिक्स कार्बन्स और एक एक बॉन्ड छोड़ के सबके पास डबल डबल बॉन्ड है, और हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब एक बॉन्ड आता है ना तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, यहाँ पे बॉन्ड आया दो हाइड्रोजन कम हो गए, यहाँ बॉन्ड आया यहाँ दो हाइड्रोजन कम हो गए, ठीक है ना, तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, एक बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन। अब ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से बेंजीन रिंग यानी कि C6H6 ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने यहाँ पे सबके IUPAC नेम किए, उनको कैसे लिखना है, मैं उनको इन इन चीज़ों को ना, जैसे कि नेम्स, IUPAC नेम, उनकी नंबरिंग देना, तो इन सब चीज़ों को ना मैं आपको आने वाली वीडियोस में कम्प्लीटली क्लियर करूँगी कि इनका नेम को देना कैसे है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।